अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और क्या कीजिए कि जिंदगी ऐसी है कि जिसको गुजारने के लिए इंसान को बड़ी तकोदौ करनी पड़ती है। गुज़िश्ता दिनों एक एक्सरसाइज का क्लिप चल रहा था और उस पर किसी ने लिखा कि ये है पाकिस्तान टेलीविजन। आप मुझे बताएं कि जो देहात में ख्वातीन हैं या जो गांव में रहती हैं वो एक्सरसाइज कैसे सीखें? अगर पीटीवी पर एक्सरसाइज ख्वातीन की नहीं दिखाई जाएगी तो कैसे सीखें? घरों में ज़रूर एक्सरसाइज करें, शहर की ख्वातीन करें, लेकिन आपको ख्वातीन पतली भी चाहिए, उनकी उंगलियां मखरूती भी होनी चाहिए, 6-7 बच्चे भी वो पाल रही हों, और जब साहब शाम को घर पे आए तो उन्हें उनकी सेक्रेटरी याद भी ना आए, बीवी भी ऐसी हो। और अगर उस एक्सरसाइज पर आप लिखें ये है इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान, तो मुझे बताएं फिर आप ऐसा करें कि इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान से ख्वातीन को बाहर ही निकाल दें उनको। मगरिब के बाद तो वैसे भी निकलना नहीं चाहिए उनको, और मगरिब के बाद और मर्दों को निकलना चाहिए, मगरिब के बाद ख्वातीन को नहीं निकलना चाहिए। इस तरह का रवैया हम जब इख्तियार करते हैं और फिर हम इतने एक्सट्रीमिस्ट रवैये के साथ जवाब देने पर आते हैं कि अगर कोई उसकी हिमायत भी कर रहा हो और कह रहा हो कि हर चीज़ का ये मकसद नहीं होता, किसी को वो एक्सरसाइज नज़र आ रही है, किसी को अपने दिमाग का साइज नज़र आ रहा है, अपने दिमाग के साइज़ को थोड़ा बड़ा कीजिए। ये एक्सरसाइज अगर टीवी पर हो रही है तो दरहकीकत उन ख्वातीन के लिए हो रही है जो गांव देहातों में हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जो दिनों रात एक करती हैं, जो वतन का सरमाया है, वो कम से कम थोड़ा बहुत देख लें कि किस तरह घर में ही अपने पुशअप्स कर लें और तमाम चीज़ें, ताकि सेहतमंद रहें। एक औरत की सेहत पूरे घराने की सेहत होती है। तो अब आप इस एक्सरसाइज पर भी, तो मैं आप यकीन कीजिए मैं बहुत हैरान और परेशान हूँ हम किस दौर की तरफ पढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इतनी आज़ादी है लोगों को गालियाँ देने की कि पाकिस्तान में मैं तो, अगर मेरा बस चलता ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में नहीं होता, ये बंद कर देता मैं। कि अभी पहले तमीज़ सीखे बात करने की, कमेंट क्या किया जाए। अगर आपको इख्तलाफ भी करना है तो इख्तलाफ भी आप अदब के दायरे में रहकर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गाली देनी है नीचे, तू कहाँ से आ गया और तेरी उसकी और तेरी इसकी, ये अच्छा है, वो तो शायद तरबियत एक्सरसाइज की गलत हो रही है, लेकिन आपकी तरबियत अच्छी है, थोड़ा सोचिएगा, ध्यान दीजिए। वसीम अकरम साहब ने भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, दो दरिया के किनारे खड़े होकर उन्होंने कहा, वो भी कह रहे थे कि नीचे अब आप लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। वसीम अकरम जैसे स्टार्स सब लोग परेशान हैं कि कौन लोग घुसाए सोशल मीडिया में तबसरा करने के लिए। पूरी दुनिया में तबसरा होता है लेकिन तरीके के साथ होता है। ख्वातीन को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ख्वातीन को हर दौड़ में आगे आना चाहिए, ख्वातीन को गाड़ियाँ भी चलानी चाहिए, ख्वातीन को मोटरसाइकिल भी चलानी चाहिए, ख्वातीन को हाइकिंग भी करनी चाहिए, ख्वातीन को जो है वो दीगर जितने स्पोर्ट्स हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान बनाए सबके लिए बनाए, और एक्चुअली ये इल्म है और इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। मैं अपने मेहमान को बुलाने से पहले उनका ज़रा तारुफ़ करा दूँ। जीवे पाकिस्तान में जो आज हमारे मेहमान हैं वो बड़े खुश गुफ्तार, बहुत खुश शक्ल, बड़े खुश कलाम और बहुत ठंडे मिजाज के आदमी, जिस तरह कॉफ़ी ठंडी हो गई है, थोड़ी देर बाद बदल देना भाई। तो पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के फनकार, इनका ताल्लुक शोबिस की मशहूर जिलानी फैमिली से है। इन्हें अदाकारी का फ़न विरसे में मिला है, और लेकिन इन्होंने अपने वालिद का नाम का सहारा लिए बगैर शोहरत हासिल की, और कम उम्री में आपने ऐसा मकाम हासिल कर लिया जिसको हासिल करने के लिए बेशतर फनकारों को कई बरस तक इंतज़ार करना पड़ता है।
क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन 1996 में 1996 वालिद की वफात के बाद हादसाती तौर पर अदाकार बने और ऐसे बने कि आज तक टेलीविजन स्क्रीन पर राज कर रहे हैं। शोबिज इंडस्ट्री में इन्हें 24 बरस बीत चुके हैं, 24 ईयर्स, 24 बरस बीत चुके हैं। लेकिन आज भी इनकी मकबूलियत का यह आलम है कि सपोर्टिंग रोल अदा करने के बजाय लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं। उन्नीस सौ सत्तानवे में अपने अव्वलीन ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में नमूदार हुए। गुड। और फिर काजिम पाशा की ड्रामा सीरियल जहरबाद में फन की झलक दिखाई। लेकिन इन्हें असल शोहरत काजिम पाशा की सीरियल शाम से पहले में हासिल हुई और नाज़रीन ने उन्हें डॉक्टर के किरदार में बेहद पसंद किया। 2003 में ड्रामा सीरियल मेहंदी में फिजा अली के बिलमुकाबिल एक किरदार इन्होंने अदा किया, उसमें पसंद किया गया। और फिर जब टीवी चैनल्स की भरमार हुई तो ये हर चैनल का अव्वलीन इंतखाब साबित हुए और कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा करके ड्रामों को यादगार बना दिया। कभी मुस्बत कभी मनफी कभी मुस्बत, जिंदगी इसी का नाम। कभी जिंदगी मुस्बत पहलू लेकर आती है, कभी जिंदगी मनफी पहलू लेकर आती है, लेकिन मनफी और मुस्बत पहलुओं का नाम ही जिंदगी है। तो इन्होंने कभी मनफी किरदार अदा किए, कभी मुस्बत किरदार अदा किए, लेकिन जो किरदार भी अदा किया, जो रोल भी अदा किया, उसके साथ भरपूर धैर्य के इंसाफ किया। भरपूर क्या किया? किरदार। भरपूर क्या किया? किरदार अदा किया। नहीं, भरपूर उसके साथ क्या किया? उसके साथ इंसाफ किया। भरपूर तहरीक इंसाफ किया। तहरीक इंसाफ, हम खाली इंसाफ नहीं कहते। हाँ, अजीब आदमी है। ऐसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। इसमें सोनिया हुसैन आए, हाय सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन आप क्यों नहीं आ रही? ये बदतमीजी, ये मोहल्ले की बदतमीजी की सीटियां ने बजाया। ये आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रही, क्या वजह? अच्छा, आप चाहती हैं मैं खुद फ़ोन करूँ? ठीक, मतलब मेरी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन नहीं आपको चाहिए, मैं खुद करूँ? फिर मैं खुद फ़ोन करूँगा, याद रखना, फिर आना है। इसी के वादा है कि जब भी मिलना है यार बात करने दो। मैं एक माहौल बना रहा हूँ पीछे कि जब भी मिलना है तो हमें ऐसे ही सेट में मिलना है, कहीं और ना मिलने की हमने कसम खा रखी है। हम जब मिलेंगे टेलीविज़न के सेट में मिलेंगे। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, सब सेट हो सकता है। सेट पर आप आए, मैं आपको एक मरतबा फिर इस तरह से दावत देता हूँ, उसके बाद फिर मैं पहले उस तरह करूँगा और फिर उस तरह से दावत दूँगा, यानी आपको फ़ोन करूँगा। फ़ोन जब मैं आपको करूँ तो आ जाइए। वाह वाह, आपका आना बहुत ज़रूरी है। आप जानती हैं ना कि जब आप आएंगी तो प्रोग्राम में 4 नहीं 5 चांद लग जाएंगे, 5वां तो मैं खुद हूँ, 4 आप लेकर आएंगी, 5वां मैं खुद हूँ। तो आ जाइए। तो सोनिया हुसैन के बिलमुकाबिल इन्होंने बंदिश के नदीम की तरह याददाश्त वापस आ गई, सोनिया हुसैन के बिलमुकाबिल इन्होंने डॉक्टर साथ का किरदार अदा किया। या लाज में चौधरी जहांजेब का किरदार हो, सदा सुखी रहो में
नफ्सियाती शौहर का किरदार हो या फिर दीवारे शब में नफीस बाप का किरदार हो, मरियम में सौतेले भाई का किरदार हो या तुझ पे कुर्बान में मजाहिया किरदार, इस शख्स ने हर किरदार में जान डाल दी। चौबीस बरसों के दौरान 24 ईयर्स, इनको खुद भी नहीं पता कि 24 बरस इन्होंने काम कर लिया। 24 बरसों के दौरान बेशुमार ड्रामों में अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं। तैयार हो जाए आप, तीनों तैयार हो जाओ। बेंजामिन बैंक देखिए, जब इंसान कहता है ना, है बेंजामिन बैंड है ना, बस ये कि कपड़े एक जैसे नहीं पहने आप। अगर आप एक जैसे कपड़े पहनते तो मैं कहता एक जैसे कपड़े। देखिए, जब इंसान कहता है ना कि दिल ही तो है, क्या कहता है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, जब इंसान दिल ही तो है कहता है ना, तो उसे फिर जहर बात शाम याद आ जाती है। जहर बात शाम में जो कुछ भी होता है वो शाम से पहले होता है, और जहां शाम से पहले कोई चीज होती है वो मेहंदी की तैयारी होती है। अगर मेहंदी लबे दरिया के पास हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी मेहंदी हो वो ये ना कहे कि मैं जीना चाहती हूं, क्योंकि अगर वो ये कहे तो उस वक्त उसके होने वाले शौहर को ये चाहिए कि वो जवाब में कहे मैं तुझ पे कुर्बान। बीवी को कभी बांदी बना के ना रखे, बांदी पे बहुत जोर से बजे, और हमेशा ये दुआ दें कि सदा सुखी रहो ताकि कोई खलिश बाकी ना रहे, क्योंकि खलिश जब बाकी रहती है तो फिर एक बूंद जिंदगी की भी कामयाब नहीं है, और जो हमारा मेहमान है उस चांद पे दाग नहीं। अब मंजिल ना जाने ने कहां और ले जाए, क्योंकि ये खूबसूरत है, इनके काम में अभी तक दीमक नहीं लगी, इनकी उड़ान बहुत अच्छी है, कई चाहने वाली हैं इनकी पुजारन है। दिल इनका इश्क से भरपूर है, ये जो कुछ करते हैं रोशनी में करते हैं, यानी सेट पर रोशनी होती है, कैमरा लाइट्स ऑन, लेकिन रोशनी में करते हुए भी ये लाज रखते हैं, लाज रखते हैं, क्योंकि जो भी ये रोशनी में करते हैं उसकी लाज रखते हैं, फिर झूठ नहीं बोलते, और जो भी ये रोशनी में करते हैं उसकी लाज रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उसमें घायल हो जाते हैं, और जो भी रोशनी में रखते हैं करते हैं उसकी लाज रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उसमें घायल हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम ये एक हाथ की ताली से करते हैं। अगर ये मोहब्बत हम सफ़र मेरी समझते, मोहब्बत हम सफ़र मेरी, तो थोड़ी देर के लिए कहते ज़रा ठहर जाओ। इनको बहुत सारी दुआएं मिली हुई हैं, ये दुआ मिली, दुआएं मिली और आखिरी सांस तक मिली रहेंगी। इनको अनाबिया से भी मोहब्बत हुई, जोरू का गुलाम इनको कहा जा सकता है, और जोरू का गुलाम इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाभी ने भी कहा होगा इनसे कि मैं तुम्हारे आगे दिल हारी। मरियम के लिए ये भी बहुत परेशान है, जैसे पूरा पाकिस्तान परेशान, ये भी मरियम के लिए बहुत परेशान, ये किसी को दासी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इनकी चारों तरफ ऐसी है तन्हाई। किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है, दीवारें शब नहीं गिरेगी, और सौतेली इनकी जिंदगी में नहीं है। टेलीफिल्म इनकी थी
मुराद सईद, नहीं मुराद, मुराद सईद गलत निकल, गलत गलत रहन में हमेशा मुराद सईद रहते हैं, निकल गलत निकल भाई, माफ करना भाई मुराद भाई, माफ करना हम, माफ करना भाई माफ करना। टेलीफिल्म मुराद में इनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया और इस वक्त भी इनकी सीरियल बंधे एक डोर से ऑन एयर है। बास टर्किश ड्रामों के लिए, तुर्की वाले ड्रामे, अर्तुगरुल वाले, अर्तुगरुल उसके लिए बतौर वॉइस वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं। भरपूर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिएगा और इनका काफी इस तरह मिलाते हैं। हाँ हाँ फन्ने अदाकारी है, फन्ने अदाकारी है जिनका खानदानी, जिनका खानदानी पान जिनके घरों में अब भी मिलते हैं, पान जिनके घरों में अब भी मिलते हैं, खालिसतन पानदानी, खालिसतन पानदानी तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाते हैं कामरान जिलानी। खैरियत से पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और मैं 23-24 साल हो गए माशाल्लाह, जैसे भी आपने कहा काम करते हुए, मैंने ऐसा होस्ट नहीं देखा जिसने मेरे पूरे कैरियर पे इतनी अच्छी रोशनी डाली। और जो भी आप सेगमेंट जो आप बातें कर रहे थे उसमें आप जिस तरह ड्रामों के नाम ले रहे थे, आपकी रिसर्च की मैं दाद देता हूँ कि वो कमाल है। मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज दिए ऐसा होस्ट मैंने नहीं देखा, ये आपके मुंह की बात है। इसके लिए तो पहले और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मरकरी वालों ने बनियान और अंडरवेयर बनाए, अगर ये बनियान ना बनाते मरकरी वाले तो ये तो कमीज लगा, कमीज के बटन तो लगाते ही नहीं कभी जिंदगी में। ये बनियान नहीं है, टी शर्ट, टी शर्ट है, मतलब जो भी है ये खुला रहता है। खुले रहते में आप देख लेते कि 24 साल में इनके जो माशाल्लाह सीने पे घना जंगल दमोदार हुआ है वो कितना घना है और उसमें कितना फन छुपा हुआ है, एक एक बाल से फन बोल रहा है कि अभी कितना फन बाकी है और कितना लोहा इन्होंने मनवाया है अपने कामों में। माशाल्लाह 5 अगस्त को पैदा हुए, डोमिनेटिंग नेचर के आदमी है। अगस्त 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 नहीं, अगस्त नहीं भाई, अगस्त 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 रोमन एम्पायर का नाम था, पता है तुम्हें अगस्त। और लाहौर और कराची चूंकि शोबिस के गढ़ हैं लिहाजा इनकी ज़िंदगी इन्हीं दो शहरों में गुजरी है। लेकिन मैं इनकी तरफ आने से पहले, क्योंकि इनका अपना इतना काम है कि उस पर हम बात करें, उनके वालिद जो थे कुरबान जिलानी साहब, मैं उन्हें अंकल कहता था, और कुरबान जिलानी साहब जैसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नफीस, शफीक, मुशफिक, मुशफिकुल मिजाज, मुनकसरुल मिजाज, यानी उन्होंने फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, स्टेज, थिएटर हर जगह उन्होंने काम किया। और मेरी वालदा की बहुत इज्जत करते थे, मेरी माँ की जो इज्जत करता था मैं उसको प्यार से अंकल इसलिए भी कहता था कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे झड़क भी दिया, कहने भाई जब वो मुझे कुरबान भाई कहती है तो तुम मुझे मामू क्यों नहीं कहते, क्या मतलब उनकी एक मोहब्बत थी। तो उन्होंने 1961 में रेडियो हैदराबाद से, ये वही रेडियो हैदराबाद है जहाँ से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने अपने फ़न का आगाज़ किया था, वहाँ से इन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों का आगाज़ किया, जहाँ उनके मुआसरीन में मोहम्मद अली साहब थे, मोहम्मद अली, अब जैसा कि मैंने बताया मुस्तफ़ा कुरैशी, और फिर कुरबान जिलानी साहब ने बहैसियत अनाउंसर काम शुरू किया, अनाउंसमेंट शुरू की उन्होंने, और फिर सिंधी ड्रामे में मुख्तसर किरदार अदा किया। यानी सिंध की आप एक पहचान अगर उस ज़माने में अगर कहते तो कुरबान जिलानी थे, यासिन नवाज़ के वालिद थे फरीद नवाज़ महमूद साहब, ये वो लोग थे, और अरशद महमूद साहब थे इंतकाल कर गए, और फिर सिंधी ड्रामों के हीरो के तौर पर शोहरत हासिल की। गज़ाला रफ़ीक के साथ इनकी जोड़ी बड़ी यादगार बनी, और फिर हसीना मोइन के ड्रामे अंकल उर्फी, अंकल उर्फी को कोई नहीं भूल सकता, अंकल उर्फी से उन्हें मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई, और फिर उसके बाद अज़हर शेरवानी के
शौर शहीद भाई के किरदार में उनको बेहद पसंद किया गया। मकबूल तरीन उनके जो टीवी सीरियल से उनमें हेलो हेलो, इंतज़ार फरमाइए, शमा, रात की आंखें, दीवारें, नादान नादिया और उलझन शामिल। देखिए औलाद हो तो ऐसी कि आज औलाद की वजह से वालिद का जिक्र हो रहा है, और वालिद अगर हयात होते तो बड़े फ़ख्र से कहते, मेरे बच्चों मुझे तुम पर फ़ख्र है कि आज मैं तुम्हारे नाम से पहचाना जा रहा हूँ। वाह, क्योंकि वो है थे ऐसे, उनके नाम में ही कुर्बान नहीं था, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बानी देते हुए गुजारी जितना मैं जानता हूँ, जो वो ज़ाहिर है। बस ये कि इनको अफसोस ये है हमारे भाई को, कामरान भाई को, कि ये अपने वालिद की ज़िंदगी में एक्टिंग नहीं कर सके। अगर ये अपने वालिद की ज़िंदगी में एक्टिंग करते तो शायद उन्हें सीखने का बहुत मौका मिलता। यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड अमर भाई, ये जो लास्ट जो बात की ना आपने कि ये वाकई मेरी ज़िंदगी का पछतावा है, रिग्रेट है कि काश मैं उनकी ज़िंदगी में अगर ये काम शुरू करता तो आज वो बहुत फ़ख्र महसूस करते और बहुत खुश होते, बहुत खुश होते, और वो चाहते भी थे। उन्होंने क्योंकि जब PTV हम उनके साथ जाते थे तो मुझे एक दो ऑफ़र्स, दो तीन ऑफ़र्स हुई हुई थी हैदर इमाम रिजवी साहब की तरफ से, काजिम पाशा साहब की तरफ से, तो कह रहे यार काम ही क्यों नहीं तुम ट्राई करते। तो उस हमारे में सिर्फ एक दो ही शौक होते थे, पढ़ाई और क्रिकेट। हाँ, हाँ। तो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था ना। हाँ जी, तो अभी भी है, अभी वो भी हम अपना शौक हम शोबिस की टीम में हम अपना पूरा कर रहे होते हैं। तो उस वक्त तो यही दो काम थे, तो मैंने कहा नहीं मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कैमरे को फेस करना, मैं इतना शर्मीला लड़का, मैंने कहा नहीं भाई। तो वो बहरहाल उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है सच कोई नहीं कि मेरे साथ कि नहीं यार तुमने करना ही करना है। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात की, मैं वाकई आपकी रिसर्च की दाद देता हूं। देखिए बहुत से लोग आपकी, एक और मैं अदा आपकी बताऊँ, आपकी जो अच्छी अदा है तो उसकी तरफ हम चलते हैं कसौटी की तरफ। जी जी, बहुत से लोग आप में और अदनान भाई में कुर्बान अंकल को देखना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये कि जब कभी भी कोई आपको कहता है कि आप में कुर्बान जिलानी साहब की झलक नज़र आ रही है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि आप उसका जवाब ये देते हैं, मैं अपने वालिद जैसा नहीं हो सकता, मेरे वालिद थे वो मेरे वालिद थे। अभी 3 दिन पहले मैं कहीं सेट पे था तो एक साहब ने मुझे कहा, देखते रहे मुझे बड़े गौर से, उन्होंने कहा यार आपकी अब मिलने लगे हैं आप कुर्बान साहब से बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो कभी उन जैसा हो ही नहीं सकता, बहुत बिल्कुल सही हो नहीं सकता। वो जब वो शख्सियत किरदार अतवार वो कहीं ना कहीं एक शबाहत थोड़ी बहुत एक वो तो रहेगी, वो तो रहेगी, बॉडी लैंग्वेज चलने का स्टाइल या थोड़ा सा आने लगा होगा। लेकिन जो जैसे कि मिलनसारी खुश अखलाकी हम सब में, आप में भी है सब में, लेकिन इन लोगों में जरा कुछ ज्यादा थी, ये लोग रिवायत परस्त लोग थे। ये जो भी आपने नाम लिए ना, मोहम्मद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब या बाबा का आपने नाम लिया, फरीद नवाज बलोच साहब, ये वाकई वो दौर मुझे आज तक याद है, मैंने दौर देखा हुआ है। हम तो साथ साथ होते थे बाबा, छोटे छोटे होते थे, क्या अच्छा दौर था, क्या अच्छा। और वाकई लोग ये लोग बड़े नफीस लोग, नफीस। आए कसौटी की तरफ चलते हैं और जरा देखते हैं कि आपसे हम क्या पूछें, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत। खाना, खाना, माशाल्लाह खाना। खाने की तरफ बढ़ते हैं और खाने की तरफ बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए जा रहे हैं, ये बताकर आपको कि इनको शुरू से एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं था। अदनान भाई को बिल्कुल था अदाकारी का शौक, आज भी उनको है, वो स्क्रीन पर भी करते हैं और स्क्रीन के बाहर भी करते हैं अदाकारी। और वो ये करते थे कि आईने के सामने खड़े होकर अदाकारी किया करते थे अदनान भाई, लेकिन ये बहुत शर्मीले थे और कैमरे से दूर भागते थे। क्यों भागते थे, क्या क्या होता था, बहुत सारी बातें करना भी बाकी है। पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। अच्छा ये मैं कह रहा था कि ये बहुत शर्मीले थे और आज भी आम जिंदगी में बहुत शर्मीले हैं, हुजूम पर हुजूम मकामात पर जाने से गुरेज करते हैं। अभी हम परसों तरसों कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक जगह हलीम पर जमा थे, जैसे ही हुजूम बढ़ा ये निकल ली, इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, अब मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। खामोश तबाह है, ज़्यादा नहीं बोलते, अच्छी बात होती है, आदमी उसी वक्त बोलता है जब उसको कुछ बोलना है,
और ये बिला वजह में गुफ्तगू में शरीक नहीं होते, यही इनकी कामयाबी की दलील है। सुनते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, लेकिन ये कि जहाँ बोलने की बात है वहाँ ये ज़रूर बोलते हैं। तो अभी ज़रा कुछ खाने की बात हो जाए। खाना कुछ ऐसा है कि देखिए, आपका ताल्लुक जिस वादी से है, जिस जगह से है, वो हमारी जगह है, आपकी जगह है, सिंध, हमारी सरजमीन, हमारी प्यारा सिंध। बेशक। हमारे प्यारे सिंध के खाने भी बड़े प्यारे प्यारे, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, खासतौर पर वो डलियों में रोटियां सच के आना, और एक हमारी बड़ी मशहूर डिश है जो लाड़काना और कंबर के इलाके में बनती है, बे, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं, सब्जी होती है उनका। लेकिन उसके अलावा भी सिंध में बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। एक खाना था जो मुग़ल अपने साथ लेकर आए, और वो लाने के बाद उन मुग़लों ने वो खाना सिंध में ही छोड़ दिया। अब वो सिंध वालों ने उसको बनाना शुरू किया। अब वो हर सिंध के शहर में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। हैदराबाद के लोग मुख्तलिफ अंदाज़ बनाते हैं, अगर आप अंदरूनी सिंध चले जाएँ लड़काना नवाबशाह, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बनाएंगे। कराची के लोग बिल्कुल चेंज बनाएंगे, क्योंकि इसमें कराची में मुख्तलिफ कौमियतों की आमेजिश है। कराची में ही पाकिस्तान है, यहाँ पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच, पठान सभी रहते हैं, महाजिर, लेकिन अंदरूनी सिंध खालिस्तन सिंधी लोग हैं। थर के इलाके में बनता है, कम कम बनता है, लेकिन ज़्यादातर ये नवाबशाह में बनता है, कराची में बनता है, हैदराबाद में बनता है, मगर बनता है, लजीज खाना है। अच्छा, ये इतनी आपने, गोश्त डलता है इसमें, गोश्त, गोश्त डलते हैं, गोश्त के बगैर नहीं बनता। चिकन डलती है, चिकन, चिकन लोग डाल देते हैं लेकिन पता नहीं क्यों डाल देते हैं, जो डालने वाले, वैसे इसमें सिर्फ गोश्त डलता है, या तो बीफ या मटन। साथ में ऐसे कितने, दस इशारे आप मुझे, ये पहला सवाल मैं आपसे, या आपसे पहला सवाल दे रहा हूं। उसमें सब्जी भी मिला, एक सब्जी डलती है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ एक सब्जी डाल सकते हैं, डलती है एक सब्जी, क्योंकि उसका नाम में वो चीज आती है। ओहो, मसाले बहुत सारे डलते हैं। अच्छा, सिंधी जो हमारी कौम है उसमें ज़्यादा तेज़ मसाले खाने का रुझान नहीं है, लेकिन इसमें खाते हो, इस डिश में तेज़ मसाले खाते, तेज़ मसाले खाते। अच्छा, एक मेरे जहन में नाम आ तो रहा है, नाम मत बताइएगा अभी, अभी जल्दी, हाँ अभी सोचते, कंफर्म कर लें। हाँ, लेकिन उस डिश के साथ उस सब्जी का नाम आता है जो आप कह रहे हैं कि वो एक ही सब्जी उसका। हाँ, नाम आ सकते हैं, आ सकते हैं, कहते हैं उसको, आता है, आता है। जहन में कहा तो रही है डिश, लेकिन और कंफर्म कर लें, कुछ और मसाले पूछ लें, कुछ और चीजें पूछ लें। अच्छा, उसमें मसाले क्या क्या मिसाल के तौर पर? देखिए, मसाले उसमें दही डलता है, हल्दी डलती है, लौंगी डलती है, काली मिर्चियाँ उसमें डलती हैं, बड़ी इलायची डलती है, छोटी इलायची डलती है, बादियान का फूल डलता है, तेज पत्ता डलता है, करी पत्ता डलता है, नमक तो डलते ही डलता है, जितना तेज़ मिर्चों के साथ खाना है लाल मिर्चें डलती हैं, बाज़ लोग दखनी मिर्चें डालते हैं उसमें, बाज़ लाल डालते हैं, और बाज़ जो है वो बंटे डालते हैं, साबुत लाल मिर्चें। दो सवाल हो गए, तीन हो गए, एक मसाले का पूछा था और एक शायद दो हो गए, दो हो गए, दो, हाँ दो। अच्छा, आपके पास वो क्या लाइफ लाइन भी कोई होती है? जी जी, फोन अ फ्रेंड है, किसको करना चाहिए? एजाज असलम। एजाज असलम, वो फोन, हमारी इंडस्ट्री के गुरु। नहीं सर, गुरु नहीं सर, आप गुरु कह के, ये छोटा वर्ड है ये। नहीं सर, ये हाबील के कत्ल के वक्त गवाह थे इनसे पूछा जाए कि काबिल ने कैसे मारा, यही तो बताएंगे तरीके वारदात। फिर इन्होंने जब कौवे ने दफना दिया था, कौवे ने तरीका बताया कि कैसे वैसे, तो काबिल तो चला गया था दफना के, बराबर मिट्टी इन्होंने की थी सीधी सीधी। हो, बहुत पुराने मुंजो दड़ो के। हाँ, बहुत नहीं, मुंजो दड़ो तो बड़े करीब की बात ये तो मैं काबिल के कत्ल की बात, क्योंकि वो इंडस्ट्री में हर रोमन एम्पायर से मिले वो
इंडस्ट्री में कोई बीमार हो, किसी को खाने के हवाले से कुछ पूछना हो, किसी को एक्सरसाइज के हवाले से कुछ पूछना हो, माशाल्लाह हर टोटके उनको पता है। मैं तो जब भी कोई तारीख के बारे में कोई बात पूछनी होती है, मैं तारीख बिल्कुल सेट उनसे, मैंने पूछा भाई ये जो मुझे बताया 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई, कह रहा आपको गलत बताएगी, तारीख में किताबों में गलत लिखा है, 1856 से शुरू हुई थी। यानी मेरा सही फोन फ्रेंड कहा था, उन्होंने बताया कि पहला पत्थर तो बर्तानिया के झंडे पे मैंने मारा था। तो इस इजाज़ असलम साहब हमारे साथ टेलीफोन, अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप सारे बंदों को मेरा नंबर दे दे। नहीं ये इजाज़ भाई मैंने खुद नंबर दिया है। अच्छा ये बात तो तय हो गई ना कि अब आप हमारे शो में कॉल के जरिए आकर लोगों की मदद करने वाले मसीहा है। जो यार आप मुझे पैनल पर रख लेना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपके लिए एक गाना सोचा हुआ है, पीछे खड़ा रहूंगा। मैं तो आपके लिए गाना सोचा हुआ है कि मोबाइल के कीबोर्ड पर और उसके स्पीकर से एक आवाज निकलती है जिसे लोग इजाज असलम कहते हैं। वाह वाह, आपकी मोहब्बत है। और दूसरी बात यह है कि वहां पीछे खिड़की बना दे, मैं उसमें से मुंह निकाला करूंगा और जब आप देखे फिर चला जाएगा। अच्छा भाई ये भाई आपके दोस्त फंस गए कामरान भाई और फंस इस बात पर गए कि एक मैंने डिश इनसे पूछी, मैंने कहा भाई एक डिश है जो सिंध में बहुत मकबूल है, रिवायती है, लेकर मुगल आए थे उसको, लेकिन सिंध में वो बहुत ज़्यादा खाई जाने लगी और उसमें अब चिकन डलती है, हालांकि वो गोश्त की डिश थी, मटन और हाँ हलीम हो सकती है, नहीं हलीम 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 हो सकती है। नहीं इजाज़ भाई इसमें वो कह रहे हैं कि वो एक ही सब्जी डलती है गोश्त के साथ। अब जरा इनसे आप बात करेंगे आपको समझाएंगे कामरान भाई। अच्छा ये तो फिर वही होगी ना शब्द, नहीं शब्द नहीं वो मैं पूछ चुका। नहीं वो कह रहे हैं कि इसमें गोश्त डलता है, चिकन विकन भी बहुत से लोग कुछ डाल लेते हैं, लेकिन अमूमन ये डिश जो है ये गोश्त की बनती है और इसके साथ एक ही सब्जी डाली जाती है और उसी के नाम से मशहूर है और उसी के नाम से मशहूर भी है। मैं एक जगह पहुंचा तो हूँ लेकिन मैंने इसलिए आपसे आपको फोन करवाया कि मैं जरा कन्फर्म कर सकूं। तो तुम कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? नाम ले सकते हैं? हाँ आप दोनों बात कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं इसमें भी गुफ्तगू में। वो क्या है अरबी अरबी गोश्त अरबी गोश्त अरबी गोश्त नहीं गुफ्तगू में बात कर सकते हैं। हाँ तुमने अरबी गोश्त बोला है। हाँ अरबी में तो चिकन कोई नहीं डालता अभी भी। नहीं वो कह रहे हैं कि वो बड़ा गोश्त ही डलता है, वो गोश्त ही डलता है। और ये बात वैसे सही है, अरबी में आज भी कोई चिकन नहीं डालता, बात सही है। हाँ अरबी में तो लोग या सादे ही बनाते हैं उसको फ्राई भून के या फिर गोश्त गोश्त कम लोग डालते हैं सालन की सूरत में। नहीं इनका सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि सिर्फ इसमें एक ही सब्जी डाली जाती है इस डिश में। हम तो भाई अरबी पकाते थे जब इलेक्शन के जमाने में, वो पका के उसके बाद हम अरबी निकाल लेते थे डिश से और फिर मसाले के गोश्त लगाते थे। आमिर भाई ये बताएं कि ये इसमें ग्रेवी होती है, सालन होता है या ये ड्राई होती है? ये आप इजाज़ भाई सालन नहीं होता, ये ड्राई होती है। ड्राई होती है, अच्छा ड्राई होती है और एक ही सब्जी के नाम से मशहूर है ये डिश एक ही सब्जी के नाम से मशहूर है। जी अरबी तो कोई किसी को उठा के मार भी नहीं सकता, वो भी एकदम हाथ में बस दम दे। ये मारने वाली है ये नहीं, इसके अंदर का गोश्त तो मार सकते हैं, हड्डी वाला अगर है तो, हड्डी वाला अगर है तो टाक के हड्डी मारे टक करके रहेगी, लेकिन एक जो इसमें सब्जी डल रही है वो इतनी नर्म मलाइम और इतनी प्यारी सब्जी है कि बस कड़वी तो नहीं होती सब्जी, उसकी कड़वाहट तो नहीं निकालनी होती सब्जी की। नहीं नहीं करेला नहीं है वो। अच्छा अच्छा नरम सब्जी है, मुलायम सब्जी है और इजाज भाई आलू 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 गोश्त तो नहीं हो सकता? नहीं आलू गोश्त भी नहीं है, आलू को भी सख्त होता है, नरम करना पड़ता है। आलू भी सख्त है, जमीन के नीचे उगती है सब्जी या ऊपर ये तो बताएं। हाँ ये बात है, ये जमीन की जड़ है, जड़ है जमीन की जड़ है, जड़ है। मूली भी हो सकती है, गाजर भी हो, मूली अगर होती तो मतलब ये मूली तो फिर सोशल डिस्टेंस कायम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आपने कहा जड़ होती है, वरना मेरा वो ध्यान जा रहा था भिंडी भिंडी की तरफ, नर्म मुलायम में या तो भिंडी आ गई या अरबी आ गई, अरबी नहीं है भिंडी नहीं है और क्या है
टमाटर तो खैर उसका वो इसमें एक लफ्ज आता है दो 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 अल्फाज पे है नहीं इसमें एक लफ्ज दो आता है दो कद्दू दाल वाव दो हाँ दो दाल वाव दो या टू कहने कद्दू गोश्त नहीं 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 कद्दू कद्दू में आता है इसमें पहले तो आएगा कद्दू तो लेकिन जो इसमें जो दो आता है वो ये कि मकसद जो एक पहले जो गोश्त समझ लें आप गोश्त है वो उसके बाद वो दो है फिर सब्जी का नाम ओहो अच्छा ये तो बहुत करीबी हिंट दिया है जाज भाई दो प्याजा पहले गोश्त मटन दो प्याजा वाह 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 एजाज भाई ऐसे नहीं फोन करवाया था मैंने एजाज असलम यार एजाज असलम है यार मतलब जैसा आदमी कोई हो ही नहीं सकता नहीं हो सकता यार देखो कहाँ पहुँचा एकदम दो 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 प्याजा पहुँच गए आपने इतना आसान क्यों दे दिया आप भी नहीं हाँ ये जरा कुछ नहीं अब यार मेरा भाई पूछ रहा है इतने हर चीज को मतलब जड़ भी पूछ ली उसने बस तरीके से सवाल जवाब कर रहे ये नहीं के ऐसी उड़ा रहा हो बात तो आप इल्मी तरीके से पूछे तो मुझे हिंट देना तो लाजमी था ना एजाज भाई थैंक यू बहुत शुक्रिया एजाज भाई शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी थैंक यू एजाज भाई मटन दो प्याजा सर यार आदमी जबरदस्त सर आप दाद देते हैं कि मैंने कैसा मैंने सोचा हुआ था कि यार अगर खाने पे अगर जाऊंगा तो मैं इजाज भाई इजाज खाने बनाते भी बहुत अच्छा मैं इसीलिए तो माशाल्लाह अभी खाने बहुत अच्छे बनाते हैं और वैसे आप देखें ही इज अ स्वीट मैन बहुत प्यारा इंसान और दोस्तों का दोस्त और हर वक्त मुस्कुराहट चेहरे पे रही बिल्कुल बेशक कोई हम इतना तंग करते हैं इसे पुराना कदीम आदमी और क्या क्या कहते हैं लेकिन यार इजाज भाई आई लव यू यार अच्छा भाई ये तो हो गया आप जरा फिर हिंदी प्लेन्स पर आ जाते हैं ओहो मुझे समझने के लिए आपका डैश होना जरूरी है अच्छा या समझदार समझदार जी हाँ क्योंकि समझने की बात हो रही है आप भले अच्छे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छे तो बहुत सारे लोग भी होते हैं बहुत से लोग अच्छे होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि लंदन से खिताब भी कर लेते हैं लेकिन समझदार नहीं होते तो मुझे समझने के लिए आपका समझदार होना जरूरी है बिल्कुल सही बात है जमीन अक्लमंदों से तो भर गई लेकिन डैश से खाली यानी दर्दमंदों से खाली है या जरूरतमंदों से खाली जमीन अक्लमंदों से तो भर गई लेकिन अच्छा इसमें जरूरतमंद भी काफी लोग हैं जरूरतमंद से भी खाली दर्दमंदों से अक्लमंद के साथ आपको क्या नजर आएगा आई थिंक दर्दमंद अक्लमंद के साथ जरूरतमंद इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो जरूरतमंद होते हैं वो अक्लमंदों के दर पे नहीं जाते सही मैं मौलाए कायनात हज़रत अली का कॉल आपको बात सुनाऊंगा बड़ा बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है आप फरमाते हैं कि मैंने कई अक्ल वालों को अक्ल वालों को किस्मत वालों के सामने गिड़गिड़ाते देखा मैंने कई अक्ल वालों को किस्मत वालों के सामने गिड़गिड़ाते देखा तो अल्लाह से अकल नहीं मांगो किस्मत मांगो अकल तो अल्लाह देता ही है तो जहाँ अकल मौजूद है वो अक्लमंदों से तो भर गई लेकिन किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो अक्लमंदों के सामने आदमी जाके गिड़गिड़ाते ही है लिहाजा अक्लमंदों को अगर दर्दमंद दिल दिया जाए तो फिर कभी भी ना अक्लमंद गिड़गिड़ाएंगे ना दर्दमंद दिल जिनके पास होंगे वो जाकर मांगेंगे तो यहाँ दर्दमंदों इज राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के डैश से दुखी है खुशी या सुख से आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के दुख को ज़हन में रखिएगा आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के खुशी दुख को ज़हन में रखिए अच्छा
दुख सुख अच्छा आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है सुख जब इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है दूसरा खुश क्यों है उसके पास गाड़ी क्यों आ गई जेलसी फैक्टर वो कामरान जिलानी क्यों बन गया उसे एक्टिंग क्यों आ गई उसे अच्छा रोल क्यों मिल गया तुम मेहनत करो तुम्हें भी मिल जाएगा ये तो हमारे काम में बहुत है हाँ बहुत ज्यादा है तो किसी के कामयाबी से जलने के बजाय या उस पर कीड़े निकालने के बजाय खुदा की तकसीम पर राजी होना सीखिए और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दूसरों के सुख से दुखी है राइट आंसर क्या बात है लफ्जों के भी जायके होते हैं बोलने से पहले देश लिया करो सीख लिया करो या चख लिया करो क्योंकि जायके की बात है राइट आंसर जो मांगो दे दिया कर जिंदगी कभी तो मेरी डैश जैसी बन के दिखा कभी तो मेरी माँ जैसी बन के दिखा या कभी तो मेरी बाप जैसी बन के दिखा मतलब आप आराम से माँ मा, जाहिर की मेरी आ गया है तो माँ क्योंकि जो मांगो बाप से तो मांगने के लिए कभी कभी माँ से सिफारिश भी करानी पड़ती है लेकिन माँ से जब मांगोगे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं माँ दे देगी माँ दुआ भी दे देती है बाप तो कभी कभी दुआ में भी कहता है बाद में दूंगा पहले फर्स्ट आके दिखाओ अब्बा अब्बा होते हैं क्या बात लेकिन अब्बा की बात भी अब्बा की बात होती है माँ माँ होती है लेकिन माँ इज द राइट आंसर यस और हमें यहीं पर ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं आप एजाज असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और ये आखिरी वाला फिर इन द प्लेंग बड़ा खूबसूरत था जो माँ के ऊपर था एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी हमारी माँ है जीवे पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कामरान जिलानी साहब के बारे में आपको बताऊं कि अभी जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि ये अदाकार बनने के बजाय क्रिकेटर बनना चाहते थे आजकल भी ऑलराउंडर है और लड़कपन में ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे बड़ी ज़बरदस्त ये बॉलिंग करते थे अब लेफ्ट आर्म स्पिनर है पहले मीडियम पेसर थे अब लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसके साथ साथ दो ही काम थे बचपन में पढ़ना और खेलना और इसमें ये बड़े पूरे होते हैं वालिद के साथ पीटीवी सेंटर कराची जाया करते थे बड़े खुशगवार दिन थे वो और वालिद शूटिंग में मसरूफ होते थे और ये पीटीवी बिल्डिंग के कॉरिडोर में खेलते रहते थे अब उस कॉरिडोर से आप गुजरे तो एक छोटा सा आपको गार्डन भी नज़र आता है बीच में और गुजरे तो ये वहाँ उधर आपको मसरूफ नज़र आते थे दिलकश सूरत के मालिक हैं लिहाजा वालिद की ज़िंदगी में काजिम पाशा और हैदर इमाम रिजवी जैसे हिदायतकारों ने दोनों को अल्लाह ताला सेहत दे हैदर साहब भी आजकल बीमार हैं काजिम साहब भी बीमार हैं तो बड़े डायरेक्टर्स ने इन्हें अदाकारी की पेशकश की जो इन्होंने रद्द कर दी वालिद का भी सोच लो जो अभी बता रहे थे सोच लो देख लो उस वक्त एक ही चैनल था लोग काम के लिए तरसते थे कि काम मिल जाए और इतने बड़े हिदायतकारों की पेशकश मिलना कोई मामूली बात नहीं थी लेकिन इनको कोई शौक ही नहीं था फिर वो ये कि एक बड़ी तब्दीली आई इनकी ज़िंदगी में और वो तब्दीली ऐसी थी कि इनको अपना फैसला बदलना पड़ा 30 अक्टूबर आने वाली 30 अक्टूबर 1996 ये वो दौर था जब कुरबान जिलानी साहब की आंखें बंद हो गई दार फानी से कूच कर गए और खालिक के हकीकी से जा मिले अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे आमीन अब ये इनके लिए गैर मुतवक्के सानिया था और ये उस वक्त बी कॉम कर रहे थे उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वालिद साहब इतनी जल्दी छोड़ जाएंगे और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था
लेकिन उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बहर 1997 में इन्होंने बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर्स देने के बाद बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली, और फिर उसके बाद ये क्या करते थे, ये वो चीज़ बनाते थे जो आजकल में बनाने के चक्कर में पन्ने बना नहीं रहा कोई मेरा, ये क्रेडिट कार्ड बनाते थे, सार्फिन के क्रेडिट कार्ड्स बनाते थे। तो एक रोज़ पीटीवी के प्रोड्यूसर साहब थे नासिर लोधी, उन्होंने एक ड्रामे में अदनान भाई को कास्ट करने के लिए वो घर आए कि भाई अदनान भाई को कास्ट करेंगे, तो इन्होंने कामरान जिलानी साहब को भी पेशकश कर दी कि भाई ज़रा आप भी कर लें। उन्होंने कहा मुझे तो अदाकारी आती नहीं, तो नासिर लोधी ने कहा कि यहाँ एक्टिंग आती किसे है। फिर उन्होंने नासिर लोधी से पूछा भाई पैसे मिलेंगे, पैसे वैसे मिलेंगे, उन्होंने कहा पैसे तो मिलेंगे। उन्हें थोड़ा सोचे, सोचते रहे, फिर हामी भर ली। इस तरह ये हादसाती तौर पर फनकार बन गए, लेकिन फिर इनकी फनकाराना मसरूफियात इतनी बढ़ी कि इन्होंने बैंक की नौकरी को खैरबाद कह दी। सही कहा सर, 200% छोड़ दिया बिरादर ने। बैंक कौन सा था? ANZ। अच्छा अच्छा, छोड़ दिया। लेकिन देखिए, जब आपका पहला ड्रामा नशर हुआ और उसमें खुद नासिर लोधी साहब का लीड रोल था, और सेकंड लीड रोल में आपके भाई अदनान जिलानी थे, तीसरे लीड रोल में आपको कास्ट किया गया था, पहली बार कैमरे का सामना आपने किया, मुश्किल तो हुई लेकिन अच्छी बात ये थी कि जुल्फ़िकार नकवी साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, इसके डायरेक्टर थे, बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे जुल्फ़िकार नकवी साहब, बहुत ही ठंडे मिजाज के, कूल बहुत ही। और मुझे अच्छी तरह याद है निदा स्टूडियो खालिद जफर साहब का, जी जी जी, उनके लिए भाई दुआ करें खालिद जफर साहब जी। तो वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ गर्मियों के ही दिन थे, एक तो वो एक पहला शॉट जब आप कैमरे को फेस कर रहे हैं, आपकी वालदा भाई राबिया नौरीन मेरी वालदा और नासिर भाई साथ थे सीन में, मुश्किल से मेरा ख्याल है कोई दूसरी या तीसरी टेक में ओके हो गया था पहला शॉट। मजर अली भी साथ था, मजर अली साहब मेरे फादर बने थे, उनको तो मैं जादूगर कहता हूँ मैं, क्या कमाल की अदाकार, क्या कमाल की, बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत बड़े अदाकार। तो वो एक घबराहट जो थी वो पहले शॉट तक की ही थी मेरी, उसके बाद फिर बड़ी क्लैपिंग हुई, मिठाई विठाई बटी, वो एक डर जो खौफ जो था वो ख़त्म हुआ, और फिर बाकी सारे जितने को एक्टर्स थे सबने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा ताउन किया। लेकिन वहाँ ये हुआ, मैं इस तरह आता हूँ उर्दू ड्रामे की तरफ, वहाँ हुआ ये कि जब ये ड्रामा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस ड्रामे की एडिट जारी थी, सुनने वाली बात यार। एडिट जारी थी, काजिम पाशा साहब आए, उन्हें कहा कि बरखुरदार मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम आओ तो तुमने मना कर दिया था, यानी मैं अदाकार बनना नहीं चाहता। कामरान जिलानी साहब ने कहा कि वो वालिद की वफ़ात के बाद सूरत हाल बदल गई, इस वजह से मैं तो फिर उन्होंने काजिम पाशा साहब ने उन्हें हैदराबाद वाले ऑफिस बुलाया, वो MKM हैदराबाद वाले नहीं, हैदराबाद वाला ऑफिस उनका अपना है, बुलाया तो वहाँ पर उनको बुलाया और ड्रामा सीरियल जहरबाद में इनको कास्ट कर लिया गया। सनम इकबाल आपकी हीरोइन थी, और गांव के पस मंजर में ड्रामा शूट हुआ था जिसमें आपके कैरेक्टर का नाम था कादा, कादा से आप, और सादा लो देहाती नौजवान जो बैल चलाता था और ये मूछें चिपका कर तेल बालों में लगा कर गाँव का इनको लड़का बनाया गया, सीनियर आर्टिस्ट इम्तियाज ताज ने पंजाबी लहजा सिखाया, और अनवर सुलंगी और शफी मोहम्मद शाह भी उस ड्रामे में शामिल हुआ। सोचिए क्या ड्रामा होगा जिसमें शफी मोहम्मद शाह शामिल। तो जरा आ जाते उर्दू नामे की तरफ, ये कहाँ से देख रहे हैं सर, यही तो कमाल है, वाह वाह वाह, इसी कमाल की वजह से चल रहे हैं बेशक जनाब। उर्दू नामे में आ जाते, पहला लफ्ज है अंग्रेजी का ब्राउजिंग, इसका उर्दू तर्जुमा बताएं। नेट पर करते हैं लोग ब्राउजिंग, उसका जो सही जो उर्दू, बड़ा मजेदार तर्जुमा है इसका, ये इसका तर्जुमा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी की जेब में जब हाथ डालते हैं तो क्या करते हैं, किसी की जेब में जब आप हाथ डालते हैं तो देखो ये आपकी जेब है ना, अभी मैंने इसमें हाथ डाला है और ये मैं क्या कर रहा हूं, हिला रहे हैं, टटोल, हाँ टटोलना, वाह वाह बता दिया, टटोल रहे उनको, टटोलने को जो आप लोग ब्राउजिंग करते हैं एक्चुअली हर जगह जाके टटोल रहे होते हैं, वाह वाह
इधर भी झाँको इधर भी क्या पढ़ा कौन सी अचानक वेबसाइट खुल के सामने आ गई वीपीएन ऑफ है कि नहीं खुला ये देखो गौर से देखो इधर ये खर्चो आप लोग टटोलना कार्ड कार्ड फेंको कार्ड फेंको कार्ड्स को क्या कहते हैं कार्ड फेंको कार्ड जब खेलते हैं तो कार्ड फेंकते हैं वो क्या कहलाते हैं वो दरख्त पर भी होता है पत्ता फेंको कार्ड एक्चुअली पत्ता है कार्ड इसलिए पत्ता कहते हैं कार्ड को क्योंकि ये दरख्त की छाल से बनता है और दरख्त की छाल से ही कागज बनता है उससे ही कार्ड्स वगैरह बनते हैं तो कार्ड चूंकि पतला होता है पत्ते की तरह तो इसको वैसे भी कार्ड में पत्ता कहते हैं और वैसे भी पत्ता कहते हैं फेंक ऑफुल ये सिचुएशन बड़ी ऑफुल है इसमें आखिर में नाक आता है क्या आता है नाक होल नाक भी हो सकता है दर्दनाक भी हो सकता है गंभीर नाक नहीं एंड में नाक आते आखिर तुम्हें आता है अगर तुम्हें आता है ना तुम बताओ तुम वहीं से बताओ मेरा आइडिया है हाँ बता सकता हूँ बता सकते खतरनाक बहुत ही जाहिल है हम वो डेंजरस वो खतरनाक डेंजरस होता है बस ये बस वहीं से बोलने शुरू जाते हैं मुझे आता है ऑफुल का उर्दू खौफनाक ओ किसने बताया तो भी जाहिर है इस पूरे स्टूडियो में खौफनाक होगा वो बोलेगा खौफनाक अब ये आप पर आ गया है पॉपुलर मशहूर मकबूल यस वेरी गुड पॉपुलर गुड एक्सेलेंट उम्दा वैसे उम्दा ही उर्दू है वरना लोग इसको जबरदस्त कहते हैं लेकिन एक्सेलेंट की सही उर्दू है उम्दा आला जबरदस्त जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं आई इसमें आप तो नहीं आना आए लेकिन आपके वालिद आना चाहते थे पॉलिटिक्स यस आपके वालिद को शौक था हमारी अम्मी से कहते थे मुस्लिम लीग पीर पगाड़ो ग्रुप सही है हमारी अम्मी पीर पगाड़ो ग्रुप उसमें फंक्शनल लीग की खवातीन की सरबराह थी ये इसमें आप हैं इसमें आप हैं ये आपकी फील्ड है शोबिज यस और ये अगर ना होता तो आप ना होते इसकी वजह से आप हैं ये इसका एहसान है कि आप हैं ये आपको लेकर आया है इस दुनिया में अगस्त यस और ये आपका खानदानी सिलसिला है जेलानी हालांकि मुझे आज तक याद है पुराने घर में जो बाहर अब्बा के नाम की जो तख्ती थी उसमें जे डबल ई बहुत से लोग जे आई भी लिखते हैं कुछ जे डबल ई भी लिखते हैं लेकिन फादर के मुझे सिग्नेचर्स और वो ज्यादातर अमूमन वो जे डबल ई लिखते थे इसलिए कि जीलानी है ये अच्छा वो इसलिए लिखते थे जीलानी एक्चुअली ये अरबी में जीम से होता है मिस्र में ये गाफ से होता है मिस्र में मिस्री अरबी में अल्लाह जल्ला जलालहू नहीं है अल्लाह गल्ला गलालहू है इसी तरह यूसुफ रजा गीलानी तो यूसुफ रजा जीलानी भी हैं शेख अब्दुल कादिर गीलानी भी हैं और शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी हैं जब अरबी में आएंगे तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो जाएंगे और जब उर्दू में यानी मिस्र में होंगे तो शेख अब्दुल कादिर गीलानी तो मिस्री
मिस्र में जीम नहीं है, मिस्री अरबी में गाफ पढ़ा जाता है और यहाँ पर जीम पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि वक्फे से पहले गेस्ट दी सेलिब्रिटी की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, अभी गई है कुछ दिन पहले बाहर, एक हफ्ता हुआ है। जहन में नाम तो आ गया है, एक ही है बस खातून अभी है, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, आप देखें कि अंसारी नाम आज तक इन्होंने उसकी इज्जत एक रखी हुई, क्योंकि अंसारी नाम है, अंसारी की इज्जत करना। अंसारी एक्चुअली जिसके नाम के साथ लगा होता है, फौरन आदमी का दिमाग जाता है मदीने के अंसारियों की तरफ, तो उसकी इज्जत करना, अंसारी की इज्जत करना। अगली तस्वीर दिखा दें, ये शख्स वो है जो मतलब सर लेजेंड लेजेंड। इस शख्सियत के बारे में जी बहुत कुछ इनसे सीखा, सीखते हैं और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। और इस शख्सियत को मैंने चार चार पाँच पाँच घंटे इंतज़ार करते भी देखा है और इनकी ज़बान पे एक शिकायत नहीं आती। बहुत ही पंक्चुअल, क्या क्या गेटअप्स इन्होंने नहीं लिए, अगर वो आज हम वो गेटअप लेना शुरू कर दें तो हम तो पागल हो जाएं। इस उम्र में भी इस शख्सियत की जो एनर्जी है वो कमाल है, हम यंग लड़कों की भी शायद इतनी ना हो। कवि साहब, कवि साहब क्या बात, नामों के असरात बड़े होते। ये मोहम्मद कवि खान रहे, तो ये अब्दुल कवि कभी नहीं हुए, क्योंकि अगर ये खाली कवि होते तो अब्दुल कवि होते। ये रहे मोहम्मद कवि खान, तो एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे गिरामी मोहम्मद, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस्मे गिरामी कवि, तो मोहम्मद बंदा है अल्लाह ताला का, यानी मखलूक तो है ना, अब तो मानना पड़ेगा हमें, वो अब्द हैं। तो मोहम्मद कवि और उसके साथ जब खान भी आ जाए तो एनर्जी का क्या आलम होगा। दिल बहार शख्सियत है। और मोहम्मद कवि खान साहब, आप इस काबिल हैं और इस लायक हैं कि हम सब आपकी इज्जत करें, आपकी तौकीर में इजाफा करें, आपसे सीखें, आपका एहतराम करें, क्योंकि आप पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद हैं जिसको हम कह सकते हैं मोहम्मद कवि। अब आ जाए, ये तो आपके मतलब कि आपके दौर की नहीं है, लेकिन ये कि आपके दौर में आ गए भाई। आप लोग तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के शाहरुख खान, सलमान खान, उन पुराने चले चले आ रहे हाँ, ये लोग नहीं जाते, इनके दौर में नए नए लोग आ गए। मतलब आप ये सोचें कि एक ज़माने में अमिताभ बच्चन साहब वो रेखा के साथ काम करते थे, और एक वक्त आया कि उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री के साथ काम किया। यानी कहाँ रेखा, कहाँ मीनाक्षी शेषाद्री, मतलब कितनी दूर। ये लोग भी ऐसे ही हैं, शुरू हुए थे राबिया नौरीन साहिबा के साथ, अभी सोनिया हुसैन तक पहुंच गए, आगे किंजा हाशमी तक पहुंचेंगे, सबूर अली के साथ भी कर चुके होंगे ड्रामे, उसके बाद जो और भी नए दो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी कर, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, एक नाम, कोई एक और ऑप्शन कुछ, ये अब यूं समझ ले कि आलिशान बंगलों के हरीम और दबीज पर्दों के पीछे जो चीखें सुनाई देती हैं, वो चीखें सल्तनत उस्मानिया में जब सुनाई देती थी तो अर्तुगरल जैसे लोग बाहर निकल आते थे। इसमें नाम है आलिशान बंगलों के हरीमों दबीस पर्दों के पीछे, हरीम फारूक। मुझे थोड़ा सा जहन में उर्वा आ रहा था। अच्छा, उर्वा आ रहा, थोड़ा सा आंखों का था, थोड़ा सा। हाँ, लेकिन वो उसकी आंखें थोड़ी पेशानी पर होनी चाहिए थी अगर उर्वा। I don't know, आपका क्या एक्सपीरियंस? नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे वकार रखा ने बताया। जी आगे। ओहो, हाँ, इनके दोनों नाम खूबसूरत है, शुरू का नाम भी खूबसूरत, अगला नाम भी खूबसूरत। शुरू का नाम फरिश्ते पर है, दूसरा नाम तलवार पर।
शर्म जाओ। पहले नाम फरिश्ते पर। अच्छा उसको थोड़ा सा इन्होंने एक्चुअली नाम है वो, हम लोग कहते हैं उसमें हमजा का इजाफा करके उस फरिश्ते को हम पुकारते हैं, जैसे जिब्रील है हम लोग जिब्राइल कहते हैं, एक्चुअली वो जिब्रील अलैहिस्सलाम, हम लोग जिब्राइल कह देते हैं। इसी तरह हम हाँ इज़राइल सही कहते हैं हम हज़रत ज़ाहिर। इसी तरह हम एक और नाम है उसमें भी आइल कर देते हैं, जबकि वो ये है। ओह मिकाल 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 मिकाल, इब्रानी जबान में हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को मिकाल कहा जाता है, और मिकाल इब्रानी का लफ्ज़ है, और आगे जुल्फ़िकार तलवार, तो मिकाल जुल्फ़िकार। थोड़ी सी मुझे आंखें वो सनम जंग से मिलती, मैंने शुरू में सनम जंग बोल दिया था, असम खुदा की सनम जंग मिकाल। मगर यार तुम कमाल के अदाकार हो यार, कमाल। फरिश्ते वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, और फिर उसके बाद चीफ पाकिस्तान है हमें, और हमारे साथ है कामरान जिलानी, लेकिन पहले एक वक्फा। चीफ पाकिस्तान आमिर खान और फैसल कुरैशी जिनके पसंदीदा फनकार हैं, वो हमारे सामने तशरीफ फरमाए, जनाब कामरान जिलानी, और शो है जीवे पाकिस्तान। अब आ जाते हैं ट्रूथ एंड लाई की तरफ। पहले हम जरा गा के बयान करते हैं। भाई
आप बताएं साइंस की अजीम तरीन दरिया ऑप्शन वाह 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 भाई वाह 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 भाई वाह 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 मैंने कहा जब हर तरफ से हो रहा है तो फिर पहला गलत है साइंस की अजीम तरीन दरिया ऐसे कि दो पत्थरों को रगड़ा सबसे पहले साइंस यहाँ पर आई दो पत्थरों को रगड़ा रगड़ की चिंगारी पैदा हुई सबसे पहले साइंस यहाँ पर अकल यहाँ पर इस्तेमाल हुई जब पत्थरों को रगड़ते हैं तो आग निकलती है वाह वाह अजीम तरीन दरिया उसके बाद ही सब कुछ बना जर्मनी की करेंसी यूरो है जर्मनी की करेंसी पाउंड है जर्मनी की करेंसी डॉलर है यूरो इज द राइट आंसर एक बात मैं आपको इससे पहले बता दूं इससे पहले आज से कुछ एक डेढ़ दो दो साल दो सौ साल या सौ साल की बात है उससे पहले आप कस्बा सलमान पाक में दो सहाबा के की कबूर को खोला गया था उनको मुंतकिल करने के लिए तो वैसे के वैसे लेटे हुए थे सुभानअल्लाह उनके कपड़े भी वैसे के वैसे थे तो उनकी आंखें खोलकर चेक की गई थी खुली हुई आंखें थी एक सहाबी की तो जिसने चेक की थी उसकी बिनाई जाती रही थी उसने कहा था मैंने इतनी रोशनी जिंदा आँखों में नहीं देखी जितना लोग ये कह रहे हैं कि मुर्दा आँखें वो जो आई स्पेशलिस्ट था वो एक ख़ास जगह से आया था क्योंकि आई स्पेशलिस्ट वहीं के मशहूर थे उनको बुलाया गया था ये फ़लस्तीन में वाक़या पेश आया था आज से डेढ़ दो सौ साल पहले आपको गूगल पे मिल जाएगा कस्बा सलमान पाक लिखिएगा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान के ये अज़साद खाकी थे जिनके बारे में जिक्र है अब उसका जिक्र यहाँ पर है मतलब ये कि कहाँ से वो डॉक्टर आया था दुनिया में पहला आँखों का अस्पताल रूस के शहर मॉस्को में बनाया गया दुनिया में पहला आँखों का अस्पताल यूएई के शहर दुबई में बनाया गया दुनिया में पहला आँखों का अस्पताल अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में बनाया गया जिधर यह अस्पताल बनाया गया है वहां से वो डॉक्टर आया था और आंखों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एक मुल्क बड़ा मशहूर है आपके इर्द गिर्द ही है वो मुल्क दुबई इर्द गिर्द दुबई तो आपका पड़ोस भी नहीं है दुबई तो आपका अपना है आपने बनाया दुबई यार मॉस्को यस मॉस्को से बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट कहीं पर नहीं होते और वहीं से बुलाया गया क्या कमाल वाकया तो आप लोग जरूर पढ़िएगा गूगल पे जाकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए मनीला दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है शंघाई दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से डूबने वाला शहर है और जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा
तेजी से डूबने वाला शहर। अब आपको ये देखना होगा कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो पिघलते हुए कहां से आ रहे हैं और पहले शहर कौन सा पड़ेगा। एक तरफ से ग्लेशियर पिघल रहे हैं एंटार्क्टिका में और एक तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं मशरिक़े बईद में, जिसको फारिस कहा जाता है। फारिस में जो पिघलते हुए आ रहे हैं उसमें पहला मुल्क कौन सा पड़ता है? लेकिन जी फिलीपींस तो मनीला दूर पड़ता है, शंघाई चीन वो भी दूर पड़ता है, और इंडोनेशिया जकार्ता। इंडोनेशिया सबसे पहले पड़ता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पानी बहुत तेजी से आएगा। इंडोनेशिया के लोगों ने अभी से, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आप देखें जो कौमें तरक्की याफ्ता बनना चाहती हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क अभी नहीं है वो, लेकिन वो बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारियां वो शुरू कर देते हैं। उन्हें मालूम है हमारे यहाँ पता चलता है कि सैलाब आने वाले हैं, हमारे कोई तैयारी नहीं होती। तो पहले से जब पता हो तो सब तैयारियाँ करते हैं। अभी जकार्ता में इतनी तैयारियाँ हो रही हैं आप सोच नहीं सकते, जबकि अभी नहीं आ रही है। अभी सैकड़ों साल बाकी हैं या पता नहीं कितने सौ साल बाकी हैं या शायद 50 साल बाकी हैं, लेकिन उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हम तेज़ी से डूब ना जाए। उसके लिए वो ऊंचा कर रहे हैं शहर को, पूरे शहर को ऊंचा कर रहे हैं, सतह समंदर से बुलंद कर। सो जकार्ता इज द राइट आंसर। अब हम आ जाते हैं रैपिड फायर की तरफ। मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। कराची या लाहौर? कराची। चाय या कॉफी? चाय। शलवार कमीज या जीन्स टी शर्ट? जीन्स टी शर्ट। चेक मिलना या प्रोजेक्ट मिलना? अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो चेक मिलेगा। हाँ प्रोजेक्ट जरूरी है। हाँ प्रोजेक्ट होना जरूरी है। नींद ज्यादा जरूरी है या दोस्तों के साथ घूमना? नींद। पाया या नहारी? नहारी। नहारी। पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल? नेगेटिव। नो। नूरे जहां या आबदा परवीन? मुश्किल है लेकिन फिर भी बताना। दोनों की अपनी अपनी एक, चले छोड़ दिया। हाँ। बिलाल अब्बास या फिरोज खान? बिलाल। बिलाल अब्बास। हर शरीफ आदमी, अच्छा आदमी सही आदमी चुनता है। कार या बाइक? कार। मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। मुस्तफा कमाल या वसीम अख्तर? मुस्तफा कमाल। आमिर लियाकत या वसीम बदामी? यार दोनों अपनी अपनी जगह। बस ये कि मेरे साथ बादाम नहीं है। आप वसीम बादामी के, मुझे खुशी होगी। चले वसीम बादामी। वसीम बादामी। तो नाज़रीन मोहतरम ये थे कामरान जिलानी। और कामरान जिलानी साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कुर्बान जिलानी साहब अपने बच्चों को देखना चाहते थे, शायद वो ज़ाहरी तौर पर उनको ना देख पा रहे हो। कब्र में किसके साथ क्या होता है मुझको नहीं पता, लेकिन बसा औकात आमाले हसना ऐसे होते हैं कि इंसान किसी के बारे में भी कह सकता है कि ये जन्नती इंसान है। अब जन्नत और दोजख का फैसला तो अल्लाह ने करना है, मैंने और आपने तो करना नहीं है, ना ये मेरे और आपके इख्तियार में। मैं रुक गए सुनकर, देखा तो एक बूढ़ा रो रो के कह रहा है भूखाओं कुछ खिला दे। आखिर दुआएं लेकर मैंने कहा कि बाबा जन्नत कहा जो तूने, जन्नत है क्या बता दे, दोजख है भूख बेटा, जन्नत है बेटे रोटी, रोटी खिलाई तूने, रोटी तुझे खुदा दे। तो जन्नत और दोजख अगर किसी भूखे से पूछे तो शायद एक चपाती होगी। अब कौन इस वक्त कहाँ पर है, आलम बरज़ख किस मंजर पर है हमें नहीं पता, और किस मंजिल पर है हम ये भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर कुर्बान जिलानी साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इजाज़त भी दी हो कि एक झलक ज़मीन पर अपने बच्चों को देख लो, और जब वो देख रहे होंगे और इनके जिस्मों में सरसराहट और सनसनाहट तारी होगी, तो समझ लें कि अब्बा देखकर मुस्कुराए, खुश हुए कि मेरे बच्चों तुमने मेरे नाम को रोशन किया। जिलानी फैमिली है, सादात घराना है, जो जिलानी होते हैं वो सादात होते हैं। अब लगाते ये लोग नहीं अपने नाम के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जिलानी है तो इनकी वैसे भी इज्जत वाजिब है, इनसे प्यार करना भी वाजिब है, मोहब्बत की जाए इनसे।
और ये लोग अपना अपने कूजे में बंद रहकर अपना काम करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल कामरान जिलानी है। मैं मेरे चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि किसी के मामले में ना उलझना ना पढ़ना ना अपने काम से काम रखना। अच्छी तालीम हासिल की है, तालीम याफ्ता है, अच्छे घराने के हैं, अच्छे अखलाक वाले, अल्लाह ताला ने तरक्की दे, बहुत आगे लेकर जाए और इतना आगे लेकर जाए कि हम भी किसी ड्रामे में इनके साथ काम करें, हमें भी कोई कास्ट कर ले, हम भी इनके साथ काम। आपके लिए कौन सा इतना कोई मुश्किल काम है? लेकिन बहरहाल आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच। मैंने शुरू में भी कहा बहुत अरसे बाद किसी शो में मैं गया हूँ और मुझे मज़ा आया आप जैसे होस्ट के साथ, कि जिसकी इतनी रिसर्च ये किसी मैंने किसी होस्ट की नहीं देखी और आपने वो बातें बताई हैं। डेफिनेटली आपकी अपनी रिसर्च होगी, आपने इंटरव्यूज़ कहीं से कुछ गूगल किए होंगे, निकाले होंगे दे, और आपने एग्जैक्ट वही बताया है और कहा है जो मैंने कहा है। तो ये मेरे इंटरव्यूज़ में ऐसे बहुत से, तो पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच, आपके चैनल एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारा शो इख्तिताम पज़ीर होता है इस नारे के साथ, जीवे पाकिस्तान।